जीएस बैच वन में जीएस सिर्फ एक में ही पेज है, जीएस बैच से बैच वन बस जी। एक में पेज है सर, इसके बाद अनिवार्य पाकिस्तान वो तीन होगा, अनिवार्य तीन सीएसएस वाले भी थे जो अनिवार्य तीन हुए। हाँ सी एस एस पी एम एस बैच वन में अनिवार्य बारुदी अच्छा यस स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ही हम लेक्चर करेंगे, पर हमने एयर पोल्यूशन खत्म की थी और आज उससे रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं एक दो टॉपिक्स देखेंगे, जैसे एसिड रेन है, स्मोग है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड रेन। ये पूरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। ठीक है, एसिड रेन, स्मोक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, बेसिकली जो एसिड रेन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पीएच का। अच्छा, पीएच स्केल, एक पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 से 14। इस स्केल से हमें पता चलता है कि कोई चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रल। इसका जो मिड पॉइंट है वो 7। ये चीज याद रखें, इन चीजों की पीएच 7 से कम है वो एसिड होती है, और जिनकी 7 से ज्यादा है वो बेसिड होती है, और जिनकी बिल्कुल 7 के इक्वल है वो न्यूट्रल होती है। अब ये जो स्केल है ये हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। जो रेन होती है ना, रेन रेन वाटर, आम बारिश, उसकी बच्चों पीएच होती है 5.6 to 6.0, और ये होती है सलाइटली एसिडिक, यानी कि वीक एसिडिक होती है, वीक एसिड, वीक एसिड। और इसमें एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2CO3। ये आम बारिश जो है इसमें कार्बोनिक एसिड होगा, ठीक है। लेकिन जो हम अभी हमारा टॉपिक है एसिड रेन, तो एसिड रेन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉमन रेन। ठीक है, बेसिकली होता यह है कि जब एयर के अंदर हम मुख्य तरह के पोलूटेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड एयर में रिलीज किया, तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो एयर में जाके ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाती है और वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती है। जब ये दोनों तीनों चीजें आपस में मिक्स होंगी तो एयर में बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके वेपर्स बन जाएंगे बुखार, यानी अब एयर में सल्फ्यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर नॉक्सेस, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं जी, सेवन 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 नहीं, ये जी लिखा हुआ मैंने, जी मतलब सेवन न्यूट्रल। सेवन न्यूट्रल है। कि सेवन का मतलब अगर किसी की पीएच सेवन है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी ना वो एसिड है ना वो बेस है, इन बिटवीन। इसी तरह नॉक्सिस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब एयर में जाते हैं तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में ये तीनों चीजें जब आपस में मिक्स होती हैं तो बच्चों ये बन जाता है सर नाइट्रिक एसिड, HNO3। अच्छा, अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये कार्बोनिक एसिड की तरह वीक एसिड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो अगर जब बारिश आएगी ना तो बारिश के पानी के साथ ये एसिड मिक्स होकर आएंगे,
बच्चों जब ये सर फिक्स होकर आएंगे सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। हाँ डेफिनेटली उसकी पीएच कम होगी क्योंकि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसकी पीएच 7 से उतनी कम होती जाती है। तो ये चीज बच्चों याद रखो कि जो एसिड रेन होगी उसकी पीएच कॉमन रेन के मुकाबले में काफी कम होगी और उसके अंदर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद होंगे। वो दो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें कि अ रेन Having pH value less than 5 and nearer to 4 is called acid rain. Rain having pH value less than 5 or nearer to 4 is called acid rain. Acid rain, yeah, it may contain mixture of sulfuric acid and nitric acid. It may contain mixture of sulfuric acid and nitric acid. It may also contain these acids individually. यानी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक एसिड हो, लेकिन एसिड रेन वो रेन होगी जिसकी पीएच 5 से कम और 4 के करीब होगी और उसमें या सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होगा या दोनों में से कोई एक एसिड। लेकिन इस बारिश को हम कहेंगे एसिड रेन क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है और यह खतरनाक भी है, ये क्लियर ध्यान रखें। अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब एसिड रेन होती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें पोल्यूटेंट्स तो ये एयर में चले जाते हैं लेकिन बारिश कम होती है, तो क्या ये जो एयर में जो पोल्यूटेंट्स गए हैं क्या ये हवा में रहेंगे? नहीं, ये सेटल होंगे। कैसे सेटल होंगे? वो विदाउट रेन भी सेटल हो सकते हैं। अगर रेन के जरिए नीचे आए तो उसको हम देंगे वेट डेपोजिशन, अगर रेन के बगैर वापस आए नीचे तो उनको देंगे ड्राई डेपोजिशन। तो मैं ये वाले पार्टिकल्स गैस ये जो एसिड्स हैं, अब मैं दोनों की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको एसिड रेन कैसे बनती है उसकी फॉर्मेशन की डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको आपने एक्सप्लेन भी करना है आपने एग्जाम, इसको मैं रब करने लगा हूँ। उधर नहीं बेटा पूरी डायग्राम बन गई, ये पूरे बोर्ड पे आ गई। लेकिन इसमें हम थोड़े से ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बनाई है एक इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, इसी तरह ये सोर्सेस बना रहा हूं गैसेस के। ये है जनाब आपकी गाड़ी, ठीक है ये गाड़ी, इसके बाद ये एक सोर्स है गैसेस का, ये है वोल्केनिक इरप्शन। यहां भी हम दिखा रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, और ये है बहुत सारे पौधे
रक्त, इनकी हम डिकम्पोजिशन दिखाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये जरा गौर कीजिए, ये मैंने ना डिफरेंट सोर्सेज बनाए, जरा गौर कीजिए। होता ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड भी एयर में जा रही होती है और नॉक्सिस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी एयर में जा रहे होते हैं, ठीक है। गाड़ियों का जो धुआं होता है वहां से मेन जो पोल्यूटेंट एयर में जाता है वो नॉक्सिस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और वोल्केनिक इरप्शन से जो पोल्यूटेड एयर में जाता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO, ठीक है। इसी तरह बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जब डीकम्पोजिशन होती है, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, तो जब बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होगी यानी बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डीकम्पोज करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एयर में जाएंगे। तो अब ये अच्छा, ये दो सोर्सेस जो हैं ये प्योरली ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन रिलेटेड सोर्सेस हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। और ये जो दो सोर्सेस हैं ये नेचुरल सोर्सेज है, नेचर में पाए जाते हैं ये प्रोसेसेस, तो इनको बोलेंगे नेचुरल सोर्सेस। यानी मैंने दोनों सोर्सेस आपको बना के दिखाए कि नेचुरल सोर्सेज से भी ये कैसे एयर में जा रही हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी एयर में जा रही है। अब जरा गौर करें, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाएगी तो व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा, जाहिर बात है रिएक्शन होगी। जो ह्यूमन रिलेटेड होती है वो एंथ्रोपोजेनिक है, हाँ नहीं, मैंने बोला कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी जो बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को, तो उनके रिएक्शन की वजह से नॉक्सिस प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। देखिए ना, मैंने इस एरो को नॉक्सिस की तरफ कनेक्ट किया, नॉक्सिस गैलियम से भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री से भी आ रहा है, ठीक है। ये पूरी डायग्राम ना पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगी। अब ये जरा गौर करना बच्चों, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाएगी तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन प्लस वाटर के वेपर्स ये रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के वेपर्स। इसी तरह जब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जब वो एयर में जाएंगे और इनके साथ भी ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेगा तो बच्चों क्या चीज बन जाएगी, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये बन गए आपके वेपर्स एयर के अंदर, ये दो तरह के वेपर्स बन गए हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये वेपर्स, क्लियर। अच्छा अब जरा गौर करना, ये जो वेपर्स हैं या तो ये क्लाउड्स में कंबाइन कर देंगे और यहाँ ये पर्टिकुलेट मैटर्स के साथ कंबाइन कर, इसको हम कहते हैं एसिडिक गैसेस, एसिडिक गैसेस कंबाइन विद क्लाउड्स, यानी ये वाले जो गैसेस हैं ये क्लाउड्स के साथ मिक्स हो गए, क्लाउड्स बने हुए थे उस वक्त और उनके साथ ही मिक्स हो गई, और अगर क्लाउड्स नहीं बने हुए थे तो ये जो एसिडिक गैसेस हैं कंबाइन विद पीएम, तो जो पीएम क्या था, पर्टिकुलेट मैटर यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर बादल नहीं बने हुए तो जो हवा में जरात है उनके साथ ही मिक्स हो जाएंगे। अब जरा गौर करना बच्चों, ये जो जो एसिडिक गैसेस क्लाउड्स के साथ कंबाइन की हैं, यहां से जब भी बारिश आएगी उस बारिश के अंदर वो एसिड क्या होगा, मौजूद होगा, तो उस रेन को आप क्या बोलेंगे,
ट्रेन, या दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे बैट डेपोजिशन। और बच्चों जो जो कंबाइन किए पर्टिकुलर मैटर्स के साथ, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो कुछ अर्से में बारिश आ जाए और यह हवा ना हो तो बारिश के साथ में मिक्स होकर नीचे आ जाएंगे, और अगर बारिश ना आए वो इस तरह से नीचे खुद ही आ गए तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई अच्छा डेपोजिशन, क्योंकि ये बगैर रेन के नीचे आएगा। लेकिन दोनों फोटो में ये पोलूटेंट्स वापस आए। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम बेसिकली एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ एसिडिक डेपोजिशन। यानी जब भी हम पोलूटेंट्स को एयर में रिलीज करेंगे तो दीज एसिड्स विल कम बैक आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डेपोजिशन। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या ये पार्टिकल्स हैं उन लोग तो नीचे आने के लिए ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठते हैं, ठीक है। क्लियर? यस अब आप एक इसमें मजीद चीज ऐड कर सकते हैं कि जनाब सनलाइट जो है, सन सनलाइट जो है वो कैटालाइज करती है इस प्रोसेस को। सनलाइट बेसिकली कैटालाइजिंग द प्रोसेस, यानी इसको तेज कर रहा है। ले बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से आप बनाएं, इसके बाद इसको अच्छा पेपर में आपने बनाने के बाद जस्ट इसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर, ठीक है, कि जनाब इस इंडस्ट्री में से ये गैस आ रही है, गाड़ियों में से ये आ रहा है, डिकम्पोजिशन से ये आ रहा है, ये ऊपर जाके रिएक्ट कर दिए बना रहा है, और फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, बारिश के साथ आएगी तो वैसे रेन, विदाउट रेन आएगी तो राइट राइट नो, जस्ट इसको बंद कराएगा बस। ये तो अभी हमने शुरू है, इंट्रोडक्शन है कि हमने ऐसे रेन को डिफाइन किया और उसकी फॉर्मेशन बताई, अभी हम इसके सोर्सेज इफेक्ट्स और रेमेडीज बाद में बताएं। देख लीजिए हेलो, पिक्चर ले ले भाई, पिक्चर प्लीज, पिक्चर ले ले और ग्रुप पे शेयर कर दे। ये क्या किसने मोबाइल मोबाइल चाहे, मैंने तो मोबाइल ही नहीं बोला था, इतना मैंने क्लीन पर मोबाइल तो दो मैं दूसरा काम करने के लिए। नहीं बच्चों आगे चलते हैं, सोर्सेज सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। लेकिन आपने भी एसिड रेन के बारे में सिर्फ पढ़ा है कि एसिड रेन होती क्या है, बनती कैसे है। अब इसकी सोर्सेज में कुछ सोर्सेज के हमने एक लिस्ट बनानी है कि ये सोर्सेज हैं जिनके जरिए से एसिड रेन बनती है, ठीक है। इसमें कुछ सोर्सेज तो आपको नजर भी आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले लिखिए एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज रिलीज नॉक्सेस इन एयर।
noxious become the source of acid rain. Excessive transportation releases noxious in air, nitrogen dioxide. Clear? Yes, sir. दूसरा बड़ा सोर्स वो है इंडस्ट्रियल एमिशंस. इंडस्ट्रियल एमिशन यानी इंडस्ट्रीज में से, खास तौर पे बच्चों आप इंडस्ट्रीज के नाम याद रख लें, केमिकल इंडस्ट्रीज एक, थर्मल पावर प्लांट्स दो. अच्छा, और तीसरा ऑयल रिफाइनरीज तीन, और मेटल इंडस्ट्री. मेटल इंडस्ट्री चार. These industries release nitrogen and sulfur dioxide, oxide of nitrogen and sulfur. ये चार industries बहुत important हैं, जो कि noxious और soxious. Soxious का मतलब है sulfur के oxides, noxious का मतलब है nitrogen के oxides. ये release करती है. तो दूसरा source ये हो गया. अच्छा, तीसरा source. इसको रब कर लूं डायग्राम, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं ताकि सोर्स लिख सके. Forces. अच्छा बच्चों, इसमें तीसरा सोर्स जो है वो जो हमने डिस्कस करना है वो है ओवर कल्टीवेशन. ओवर कल्टीवेशन ऑफ पैडी फील्ड्स, ये भी एक इसकी वजह है, क्योंकि ओवर कल्टीवेशन ऑफ पैडी फील्ड्स की वजह से नॉक्सिस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एयर में एंटर होते हैं. तो ये एक बड़ा बड़ा सोर्स. इसके बाद बच्चों एक और बड़ा सोर्स है बर्निंग ऑफ कोल इन ब्रिक किल्न्स. ये जो भट्टियां होती हैं इनके अंदर जो कोल की बर्निंग होती है ये भी एक सोर्स है, इसके जरिए से भी सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाती है. सल्फर डाइऑक्साइड. इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड एयर में एंटर होती है. तो वोल्केनिक इरप्शन जो है ये एक बड़ा सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का. सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जाएगी तो डेफिनेटली एसिड रेन के चांस है. इसके अलावा है डीकंपोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बच्चों ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, उनकी जो डीकम्पोजिशन हो रही होती है उससे भी कौन सी गैसें जाती हैं हमें, नॉक्सिस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. तो ये हमने मेन जो ये पांच छह सोर्सेज हैं ये जरूर मेंशन कर दिए. ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इससे एसिड रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये चार पांच और दो पहले मिल पाए, छह सोर्सेस आपने याद, इसको लिख लें फिर आगे चलते हैं.
आगे चलिए। जी। इंपैक्ट्स ऑफ एसिडिटी, एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये क्या कर सकती है, इसके काफी सारे इफेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इट कैन डैमेज बिल्डिंग्स, स्टोन्स, स्टैचूज एंड मार्बल प्रोडक्ट्स। ये स्टोन को, स्टैचूज को और मार्बल की प्रोडक्ट्स को डैमेज करती है। मैं आपको इसकी दो तीन एग्जांपल दे सकता हूं, जरा याद रखिएगा। ताजमहल जो इंडिया में आगरा में, उसकी डिप्लीशन बहुत तेजी से हुई और उसकी वजह ये थी कि वहां एसिड रेन बहुत ज्यादा। अच्छा, एसिड रेन कैसे डिप्लीट करती है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो जो संगे मरमर है मार्बल, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बोनिक एसिड। अगर इक्वेशन याद रखे तो ठीक, ना भी याद रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि इस तरह से पत्थर टूटना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोन कैंसर। कैंकर भी कहते हैं, कैंसर भी कहते हैं, स्टोन कैंसर। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि ये एसिड रेन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कि इससे बिल्डिंग, स्टोन, स्टैचूज वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये नोट कर, मुजस्मे जो पत्थर के बने होते हैं। अच्छा, दूसरा, ये पहला इम्पैक्ट। दूसरा इंपैक्ट देखें कि एसिड रेन एक्सेलरेट एक्सेलरेट द करोजन ऑफ मेटल्स एंड देयरफॉर डैमेजेस मेटल प्रोडक्ट्स। ये प्रोसेस जो जंग लगने का प्रोसेस है उसको तेज कर देती है, इसलिए धात या मेटल की बनी हुई चीजों को भी ये डैमेज करती है। इसकी भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना होगा, जो कि न्यूयॉर्क में है, सुना है ना, न्यूयॉर्क। बच्चों आपको पता है उसका कलर जो था पहले गोल्डन था, अब ग्रीनिश हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि वहां उस एरिया में बहुत पोल्यूशन होने से रेन होती है और उसकी वजह से वो जो मेटल है उसको रस्ट लग चुका हो, तो ये रस्टिंग करती है एसिड रेन, मेटल्स की प्रोडक्ट को रस्ट कर देती है, रस्टिंग कर देती है, जंग लगा देती है। तो ये आपको बकायदा एग्जाम्पल यहाँ पे गौर कर सकते। तीसरी बात, इट कैन डिस्टर्ब फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड वेरियस इकोसिस्टम्स। बच्चों ये फूड चेन, फूड वेब्स और इकोसिस्टम को भी डैमेज कर सकती है, जारी बात है, ठीक है ना। अच्छा, इट कैन स्टॉप ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड मेक
सॉइल इनफर्टाइल ये पौधों की ग्रोथ को रोकती है और सॉइल को इनफर्टाइल बनाती है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल एसिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉइल एसिडिफिकेशन। जारी बात है, अगर सॉइल में जाके एसिड इकट्ठी होगी तो सॉइल की जो पीएच होगी वो ड्रॉप करेगी, और जब वो ड्रॉप करेगी तो बैक्टीरियल लाइफ डिस्टर्ब, और वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होगी। तो भाई ये एसिड रेन आपकी प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, सॉइल को इनफर्टाइल। अच्छा, इसके अलावा एसिड रेन हेल्प इन लीचिंग ऑफ मेटल्स या पोलूटेंट्स फ्रॉम रॉक्स टू वाटर बॉडीज। अच्छा बच्चों, अगर रॉक्स में इकट्ठी हो रही है एसिड रेन, तो रॉक्स के अंदर कुछ मेटल्स होती हैं, वहां से वो रॉक टूटेगी, पानी के अंदर मेटल्स रिजॉल्व होंगे, पानी जहां जहां जाता जाएगा वो मेटल्स वहां शिफ्ट होती जाएंगी, उसको कहते हैं लीचिंग। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, इन वाटर बॉडीज। अब ये एल्यूमिनियम जो है ये बड़ा खतरनाक पोल्यूटेंट है फिश के लिए, ये फिश के गिल्स को ब्लॉक कर रहा है। तो अब ये देखिए ना कि इसने ऐसे रेन ने लीचिंग की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक एसिडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड रॉक एसिडिफिकेशन। जिस तरह सॉइल की एसिडिफिकेशन होती है, इस तरह रॉक्स की भी एसिडिफिकेशन। ठीक है, ये पांचवा इंपैक्ट है जो आपने पढ़ा, एसिड रेन का पांचवा इंपैक्ट। रॉक एसिडिफिकेशन 5 पॉइंट है। हाँ जी, पांचवे। आप इसको चाहे पहले भी लिख लें, ये कोई मेरा टच लगाना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यस आई बिलीव यस ओके एल्यूमिनियम जो है ये फिश के गिल्स को ब्लॉक कर और सफोकेशन पास कर। इसके अलावा बच्चों ये स्किन इरिटेशन कॉज करे, स्किन इरिटेशन एंड अदर इंफेक्शंस। इससे स्किन इरिटेशन भी होगी और स्किन इंफेक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इट डैमेजेस आउटडोर पेड्स, ये आउटडोर पेड्स को भी डैमेज करती है। तो आपको मैंने तकरीबन इसके 7 मेन इंपैक्ट्स लिखवा दिए। ठीक है, बकायदा एग्जांपल्स भी आपको दे दिए, तो दीज आर मोर देन एनफ। ये याद रखें, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें एनवायरमेंटल साइंस डॉक्टरल, उसके भी टॉपिक्स क्लियर हो गए, दो ओवरलैपिंग है। मेरी कोशिश है मैं इसको जरा थोड़ा 5 नंबर में, 10-15 नंबर में, 10 नंबर में इसको पढ़ाऊं, ताकि आपको ज्यादा आता हो, उसके बाद आप उसको कंसाइज करना हो कंसाइज कर लें, और अगर 10 नंबर का सवाल आ जाए तो आपको 10 नंबर में भी एनवायरमेंटल साइंस का पेपर भी अगर आपने ऑफ किया हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए जी इसकी इम्पैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी रेमिडीज, लेकिन अब ये मीटिंग का लिंक आपको दोबारा शेयर करते हैं। ठीक है, ये मीटिंग जस्ट खत्म होने वाली है, तो आपको लिंक दोबारा शेयर कर दीजिए। शाम बेटा उसको बुलाना जरा, जी साथ बैठे। बच्चों ये देख रहे हैं आप लोग आगे रेमेडी,
हाँ जी, न्यूयॉर्क में जिसने आपने मिसाल दी है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जी सर, मैं तो देखता हूँ।